क्या देख रहे हो भाई, ये कभी रुकने वाली नहीं है। दुनिया की हर एक चीज रुक सकती है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कि कभी रुकने वाली नहीं है। समय कहता है कि आप मुझे यूज करो, लेकिन तुम मुझे कभी भी यूजलेस मत करो, क्योंकि अगर मैं एक बार तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं लौट के नहीं आऊँगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आज पछता रहे हैं कि हमने समय को यूजलेस क्यों किया। समय कहता है कि अगर आज तू मुझे बर्बाद कर रहा है तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। एक सर्वे के अनुसार कई लोगों से पूछा गया था कि तुम्हें किस चीज़ का पछतावा है, तो 99% लोगों ने कहा था कि हमें समय का पछतावा है, कि अगर हम अपने समय को उस टाइम पर सही जगह लगाते तो आज हमारी ज़िंदगी कुछ और होती। किसी ने क्या सही बात कही है कि जो चीज़ हमारे पास होती है उस चीज़ की हम कभी भी वैल्यू नहीं करते हैं, उस चीज़ की हम परवाह नहीं करते हैं, और जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है उस चीज़ को पाने के लिए हम बहुत रोते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती है। दोस्त, अभी आपके पास समय है, संभल जाओ। अगर एक बार आपका समय आपके खिलाफ हो गया तो फिर आपकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी, आपकी ज़िंदगी भिखारियों की तरह हो जाएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हम इंसानों की बहुत बड़ी खासियत होती है कि जो चीज़ हमारे पास कम होती है उसकी हम वैल्यू ज़्यादा करते हैं। यानी कि पैसा हमारे पास बहुत कम है, इसलिए हम 10 रुपये को भी बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं, लेकिन वही बात जब समय की आती है तो हम उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि समय हमारे पास बहुत है कि कई दिन पड़े हैं, कई हफ्ते पड़े हैं, कई महीने पड़े हैं, कई साल पड़े हैं, आराम से कर लेंगे जो कुछ भी करना हो। क्यों ऐसा ही सोच रहे हो तुम? तो दोस्त, ऐसा नहीं है। अगर तुम 18 साल के हो चुके हो तो कसम से अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कई लोग कहते हैं I wish I had more time, काश मेरे पास थोड़ा ज़्यादा समय होता। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा समय होता तो तुम क्या कर लेते? चलो तुम्हें 24 की जगह 26 घंटे देते हैं, बताओ तुम क्या उखाड़ लोगे? जब आप 24 में कुछ नहीं कर रहे हो तो आप 26 में क्या कर लोगे? दोस्त, समय को कम मत समझो, क्योंकि इन्हीं 24 घंटों में अब्दुल कलाम पैदा हो गए, इन्हीं 24 घंटों में महात्मा गांधी पैदा हो गए, इन्हीं 24 घंटों में भगत सिंह पैदा हो गए, और इन्हीं 24 घंटों में दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन पैदा हो गए। यानी कि समय कम नहीं है, बल्कि आप कुछ करना नहीं चाहते हो। अगर किसी बंदे को कुछ काम नहीं करना हो तो आप उसको 24 की जगह 50 घंटे दे दो, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे करना होगा ना, उसे तुम 24 की जगह 12 घंटे दे दो, वो आपको करके दिखा देगा। समय की आज से ही वैल्यू करो तो समय आपकी भी वैल्यू करेगा। समय कहता है कि तुम मुझे कभी खरीद नहीं सकता है, लेकिन अगर मैं तेरे साथ रहा तो मैं तेरे लिए पूरी दुनिया खरीदूंगा। तो समय के साथ मेहनत करो तो तुम ज़रूर सक्सेसफुल बनोगे। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि रवि, जो तू वीडियो बनाता है ना उसमें वॉइस अच्छी नहीं आती है, तो अब आप बताओ कि मेरी ये वॉइस कैसी है? प्लीज़ यार, अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।